अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एफएसएटी न्यूज़। मैं आपका अब्दुल मजीब हाजिर हूँ आज की खबरों के साथ। दिल्ली के जामिया इस्लामिया में जुमेरात को पुरअमन एहतजाज के दौरान एक फिरका परस्त सरपरस्त ने किया फायरिंग। 19 साला गोपाल नामी शख्स ने यह कहते हुए फायरिंग की कि मैं दिलाऊंगा आज़ादी। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा और जय श्री राम कहना होगा। जब गोपाल ने गन को लहराते हुए बोल रहा था, पुलिस ने सामने रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं की, बस तमाशा ही रहे। गोपाल की फायरिंग से शादाब आलम नामी एक तालिब इल्म हुआ जख्मी और इसको फौरी तौर पर करीबी अस्पताल को मुंतकिल किया गया। पुरअमन एहतजाज पर पुलिस सख्ती कर रही है, लेकिन इस गोपाल नामी शख्स पर पुलिस और हुकूमत की कार्रवाई क्या होगी वक्त ही बतलाएगा।